मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। कहाँ जा रही हो? यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। हे, डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। गाइस, मैंने कल जो पार्ट अपलोड किया था उसकी एडिटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, सीन आगे पीछे हो गए थे, इसलिए फिर दोबारा सही एडिटिंग करके अपलोड किया है। छोड़ो मुझे, हटो मेरे पास से। मुझे भी तुम्हें पकड़ने का कोई शौक नहीं है, अगर नहीं पकड़ता ना तो अभी कमर तोड़ती। तो गिरती भी तो तुम्हारी वजह से। वैसे मुझे तुम्हें पकड़ना भी नहीं चाहिए था, तुम्हें ऐसे ही गिरने देना चाहिए था। तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, मैंने तुमसे कहा भी नहीं था कि तुम मुझे पकड़ो। तुम्हें तो मैं खुद गिराऊंगा। ओ अच्छा, वैसे गिरा हुआ इंसान गिराने की ही बात कर सकता है। ओ कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। शुगा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है, जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसे ही जाने दूंगा? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या क्या है मैंने तुम्हारे साथ? कुछ भी तो नहीं किया। तो तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया? ओ तो तुम केचप वाली बात पर अभी तक रो रहे हो? रोना किसे कहते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें। अपनी बकवास बंद करो और हटो मेरे सामने से। पहले तुम बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंप्लेन करने की। कंप्लेन? कौन सी कंप्लेन? तो तुम्हें नहीं पता कौन सी कंप्लेन? नहीं, मुझे नहीं पता, हटो मेरे सामने से। तो तुम्हें नहीं पता? हाँ तुम मेरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता तुम कौन सी कंप्लेन के बारे में बात कर रहे हो। और लास्ट बार कह रही हूँ मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। नहीं हटूंगा, क्या कर लोगी? शुगा क्या कर रहा है? जिमिन यहाँ क्या हो रहा है? शुगा शुगा यहाँ क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। शुगा ये कहकर वहाँ से चला जाता है और सुबिन भी शुगा के साथ जाता है। और तभी रोज आ जाती है। जेनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, क्लास का टाइम होने वाला है। वो अभी यहाँ शुगा और जिमिन साथ में थे। क्या, पर क्यों? पता नहीं, शुगा ने मुझे नहीं बताया और जिमिन हमें देखते ही चली गई। शुगा जिमिन साथ में थे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जेनी। हाँ ये तो शुगा ही बता सकता है, आखिर बात क्या है? चलो शुगा से जाकर पूछते हैं। लीसा जिमिन कहाँ थी तुम दोनों? जिमिन शुगा क्या कह रहा था तुमसे? शुगा कुछ कह रहा था? क्या हुआ है जिमिन? अरे कुछ नहीं, बस उसका दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। मुझे बताओ जिमिन क्या हुआ है, क्या कह रहा था वो तुमसे? फिर जिमिन ताय को सब बताती है। और ताय सुबिन मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि शुगा जिमिन को ढूंढ रहा है, जिमिन ने कुछ किया है, वो पागल हो गया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। वो मुझसे भी किसी कंप्लेन के बारे में बात कर रहा था, उसको तो मैं बताऊंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रोकने की? तभी क्लास में शुगा सुबिन रोज जेनी भी आ जाते हैं। शुगा जिमिन और तुम साथ में क्यों थे? हाँ बताओ ना शुगा। ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी जिमिन को रोकने की? क्या कह रहे थे तुम जिमिन से? हिम्मत तो तुम्हारी बहन ने की है ताय, मेरी कंप्लेन करके। अरे तुम सच में बह रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कौन सी कंप्लेन के बारे में बात कर रहे हो? मैंने कोई कंप्लेन नहीं की है। ओ झूठ मत बोलो जिमिन, झूठ बोलकर तुम बच नहीं जाओगी। तुमने मेरी कंप्लेन नहीं की है मेरे डेस्क से कि मुझसे तुम्हारा एक्सीडेंट होने से बचा है? नहीं मैंने नहीं की। ओ अच्छा, तो फिर तुमने नहीं की है तो फिर मैंने ही कर दी अपनी कंप्लेन खुद ही। झूठ बोलना बंद करो जिमिन, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा ना मैंने नहीं की तुम्हारी कंप्लेन। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? तुमने कहा था मुझसे कल तुम मेरी कंप्लेन करोगी, और जब कंप्लेन करने की हिम्मत रखती हो ना तो एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखो। डर के मारे एक्सेप्ट जो नहीं कर रही हो, और तुम्हें मुझसे इतना ही डर लगता था तो मेरी कंप्लेन की ही क्यों? मैं और तुमसे डरूंगी जिमिन? ओए जिमिन ने नहीं, मैंने की थी तुम्हारी कंप्लेन। तुमने की थी मेरी कंप्लेन? हाँ सुनाई नहीं दिया क्या अभी? मैंने ही की थी तुम्हारी कंप्लेन। तो आज तुमने शुगा की कंप्लेन क्यों की? क्योंकि शुगा की कार से मैं और जिमिन मरते मरते बचे थे, और इस शुगा ने उल्टा हमारी कंप्लेन कर दी थी प्रिंसिपल सर से। खुद दोनों बहनों को चलने की तमीज नहीं है, उल्टा मेरी ड्राइविंग की कंप्लेन करती हो? अरे घटिया इंसान, हमें चलने की तमीज नहीं है या खुद को ड्राइविंग करने की तमीज नहीं है? शुगा ये दोनों बहनें तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल रही हैं, तुम कुछ नहीं करोगे? ओह चमची बोली, मैं भी तो सोचूं अभी तक चमची कुछ बोल क्यों नहीं रही है। चमची किसको बोला? ओह तो तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने चमची किसको बोला? तुम बहुत बोल रही हो ताय, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। बस बहुत हो गया, तुम दोनों बहनों को तो मैं बताऊंगा।
अच्छा क्या बताओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंप्लेन करने की? मैंने कोई झूठी कंप्लेन तो नहीं की है शुगा। ओ तुम्हें कंप्लेन करने का बहुत शौक हो रहा है ना ताए? आखिर कंप्लेन करना किसे कहते हैं तुम्हें भी तो पता चले। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कंप्लेन क्या होती है। अच्छा तो तुम मेरी कंप्लेन करोगे, पर कंप्लेन करने के लिए तो कोई रीजन ही नहीं है। मुझे रीजन की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहनों को मैंने इस कॉलेज से ना निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी शुगा नहीं है। और रियली तुम हमें इस कॉलेज से निकलवाओगे? लाइक सीरियसली? हाँ जिबीना तुमने सही कहा था, ये पागल हो गया है, ये हमें कॉलेज से निकलवाएगा। इतना आसान है क्या शुगा? शुगा के लिए आसान ही है ताए, तुम्हें पता नहीं है क्या? इसलिए तुम कंप्लेन वापस ले लो, यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। इस मैटर को खत्म करो और आगे से शुगा से पंगा मत लेना। सुबिन तुम मुझे डरा रहे हो, तुम्हें लगता है तुम मुझसे ये सब कहोगे तो मैं डर जाऊंगी? मैं और कंप्लेन वापस ले लूं? नेवर। सही कहा था है? तुम दोनों बहनों को मेरी बात मजाक लग रही है। गाइस जरा इन दोनों को बताना कि मैंने कितनों को इस कॉलेज से बाहर निकलवाया है। वो लोग फटू थे जो तुम्हारी वजह से इस कॉलेज से बाहर निकल गए, और मैं ताए हूँ ताए। तुम ताए हो पाए हो, तुम्हें तो मैं इस कॉलेज से निकाल कर ही रहूंगा। इतना आसान नहीं है शुगा, तुम्हारी भी दादागिरी नहीं निकलवा देना मैंने तो, मेरा नाम भी ताया नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे ड्राइविंग की ही कंप्लेन की है, अब तो मैं प्रिंसिपल से नहीं डायरेक्ट तुम्हारे डैड से जाकर कहूंगी तुमने एक लड़के को सुसाइड के लिए फोर्स किया। क्या लगता है लड़की पगला गई है कॉलेज से निकलने की बात सुनकर? शुगा पगला तो तुम जाओगे अब, तुम मेरी फिर से झूठी कंप्लेन करोगी। किसने कहा ये झूठी कंप्लेन होगी? तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने किसी को सुसाइड के लिए फोर्स किया? ओ लगता है शुगा तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। चलो कोई बात नहीं है, मैं ही याद दिला देती हूँ। सियोदियोन तो याद है ना तुम्हें? सियोदियोन कुछ याद आया या और याद दिलाऊं शुगा? तो आए अपनी बकवास बंद करो। अब तो तुम बस थोड़ा वेट करो, मैं आज ही तुम्हारे डैड के पास जाऊंगी और उनको सब बता कर आऊंगी कि तुम कॉलेज में क्या क्या करते हो। सियोदियोन कौन है? सियोदियोन वही है। ताए तुम कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ रही हो। क्या हुआ शुगा? जाओ ना जाकर करो मेरी झूठी कंप्लेन। जाओ जाओ निकलवाओ हमें कॉलेज से, करो झूठी कंप्लेन मेरी जो भी तुम्हें करनी है। पर तुम्हारे पास तो कंप्लेन करने के लिए कोई प्रूफ भी नहीं है, और मेरे पास है। लीटा ये ताए किसके बारे में बात कर रही है तुम्हें पता है क्या? क्या मैं जिमिन को बता दूं? पर ताए ने तो मुझे मना कर रखा है, और लग रहा है ताए खुद ही बता रही है, तो मैं ताए के बताने का ही वेट करती हूँ। क्या हुआ लीसा बताओ ना, तुम्हें पता है क्या? नहीं मुझे नहीं पता जिमिन। ताए तुम्हें तुम्हें मुझे क्या शुगा? यहाँ क्या हो रहा है भाई? ताए क्या हो रहा है यहाँ? वो प्रोफेसर भाई हम कुछ स्टडी को लेकर डिस्कस कर रहे थे। पर लग तो नहीं रहा था तुम स्टडी को लेकर डिस्कस कर रहे थे। ताए अपनी जबान से एक लफ्ज भी बाहर निकालने की कोशिश मत करना। हाँ कुछ नहीं कहूँगी, पहले तुम अपनी दादागिरी दिखाना बंद करो और हम दोनों बहनों से हमेशा दूर रहना। क्या हुआ तुम दोनों क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो? कुछ नहीं प्रोफेसर। हाँ भाई हम तो बस स्टडी को लेकर ही बातें कर रहे थे, बताना सुबिन। हाँ हाँ जब तुम स्टडी को लेकर ही डिस्कस कर रहे थे हम सब। ओके चलो क्लास शुरू करते हैं। फिर सब अपनी अपनी डेस्क पर बैठ जाते हैं और जंगकुक पढ़ाना शुरू कर देता है। सार तुम क्या बात कर रही थी, ये सियोदियोन का क्या बेटर है? कुछ नहीं जिमिन, शुगा ने परेशान किया था उसे। क्या परेशान किया था? अरे छोड़ो जिमिन, प्रोफेसर जंगकुक ने देख लिया था तो डांट पड़ जाएगी। वैसे मानना पड़ेगा था क्या जवाब दिया है तुमने शुगा को, मजा आ गया। हल्के में ले रहा था हमें, दोबारा हमसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। शुगा प्लीज अब इस मैटर को यही खत्म कर दे, अगर जंगकुक सुन लेता तो पता नहीं क्या होता आज। अभी तो बस तेरी ड्राइविंग की छीनी है, और अगर जंगकुक सुन लेता तो पता नहीं और क्या क्या छीन जाता। सुबिन मैंने तो नहीं कहा था सियोदियोन से कि वो जाकर सुसाइड करे, पर वो सुसाइड तो तेरी वजह से ही करने वाला था ना। शुगा सुबिन तुम बातें करना बंद करोगे, ये मैं क्लास के बाहर खड़ा करूँ तुम्हें। सॉरी जंगकुक, सॉरी भाई, हम बातें नहीं करेंगे अब। समझने की कोशिश करोगी तो सर के नीचे से भी जाएगी। लीसा तुम दोनों बातें करना बंद करो और ध्यान दो, जब ध्यान दोगी तो क्यों नहीं आएगी समझ में? मैं कितना भी ध्यान दे दूं मेरी समझ में नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? मैं करूंगी प्रोफेसर। नहीं भाई मैं करूंगा। नहीं मैंने पहले कहा तो मैं करूंगी।
ओह, तुम इतनी जीनियस नहीं हो जो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगी। तो तुम बड़े जीनियस हो, तुमसे तो करोड़ों गुना अच्छी हूँ मैं, तुमसे तो ABCD भी नहीं आती होगी। तुम दोनों लड़की रहे हो, लड़ना बंद करो। प्रोफेसर, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। नहीं भाई, मैं करूंगा। मैंने पहले कहा है तो मैं सॉल्व करूंगी, नहीं मैं करूंगा। बस बहुत हुआ, दोनों क्लास से बाहर निकलो और हाथ पैर ऊपर करके क्लास के बाहर खड़े रहो। क्या? सॉरी प्रोफेसर। तुम दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पर भाई। पर क्या शुगा, क्लास के बाहर जाओ। और मैंने पहले भी कहा था मैं क्लास में किसी का भाई नहीं हूँ। अरे जंगुक रहने दो ना। सुबिन, तुम्हें भी इन दोनों के साथ जाना है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ जंगुक। जंगुक प्रोफेसर जंगुक। और तुम दोनों बाहर जाओ। फिर शुगा जिमिन क्लास के बाहर चले जाते हैं। तुम सब भी सुन लो, मेरे क्लास में लड़ाई वड़ाई करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो इससे भी बड़ी सजा दूंगा। ओह, ये तो बहुत खड़ूस है। हाँ ताए, सही कहा, लगता नहीं था प्रोफेसर जंगुक इतने स्ट्रेट थे। बेचारी जिमिन, उस शुगा की वजह से उसको भी बाहर खड़ा होना पड़ेगा। ये तुम्हारी वजह से हुआ, जिंदगी में पहली बार मुझे क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है, वो भी अपने भाई के थ्रू। ओह, जैसे मैं तो रोज खड़ी होती हूँ ना, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हुई क्लास में। तुम्हारी नहीं, मेरी हुई तुम्हारी वजह से। ओह, तुम्हारी इज्जत ही बहुत है जो तुम्हारी बेइज्जती हो गई। जिमिन अपना मुंह बंद रखो, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। घटिया इंसान, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सॉरी, हे क्या कर रही हो, डोंट टच मी। तुम दोनों क्लास से बाहर क्यों हो, क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? वो प्रोफेसर नहीं। चलो क्लास में। फिर वो तीनों क्लास में जाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक महीने बाद हमारे कॉलेज का शिनवा कॉलेज के साथ कंपटीशन होने वाला है, मैथ और बास्केटबॉल मैच का। और जो जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, हमने उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर जो जो पार्टिसिपेट करने वाला है कंपटीशन में, प्रिंसिपल सर उनके नाम बताते हैं। और शुगा, सुबिन, ताए, जिमिन, लीसा, जेनी, रोज, तो ये सब पार्टिसिपेट करेंगे इस कंपटीशन में। तो आज से ही तैयारी शुरू कर देना कंपटीशन के लिए, हमें हर हाल में ये कंपटीशन जीतना है। और बाकी जो डिटेल है वो तुम्हें प्रोफेसर जंगुक बता देंगे। फिर प्रिंसिपल सर इतना कहकर क्लासरूम से चले जाते हैं। बास्केटबॉल तो ठीक है, पर मैथ का कंपटीशन कौन रखता है? और इस कंपटीशन में शुगा और उसकी पलटन भी हमारे साथ होगी। अरे भाड़ में जाए वो सब, मुझे तो मैथ का सोच के टेंशन हो रही है, मैं मैथ में क्या करूंगी? कम से कम प्रिंसिपल सर को पूछ कर तो पार्टिसिपेट करवाना चाहिए था। तुम सब शोर मचाना बंद करो, क्लास के बात करना जो भी डिस्कस करना है तुम्हें। ताए, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिमिन लीसा तुम जाओ, मैं प्रोफेसर की बात सुनकर आती हूँ। फिर जिमिन लीसा वहाँ से चली जाती है और ताए जंगुक के पास जाती है। हाँ बोलो जंगुक। हाँ जी बोलिए प्रोफेसर, क्या बात करनी है आपको? तुम और शुगा क्लास में लड़ाई कर रहे थे ना? नहीं तो हम तो बस स्टडी को लेकर ही डिस्कस कर रहे थे, हमने बताया तो था आपको। अच्छा, क्या डिस्कस कर रहे थे बताओ। तभी वहाँ सुबिन आ जाता है। सर, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। अच्छा, मुझे भी उनसे बात करनी है। प्रोफेसर, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ताए रुको, भागो मत। पर ताए जंगुक की बात नहीं सुनती, वो भागती रहती है। तुम भाग क्यों रही थी? तुम्हें हमेशा जल्दी किस बात की रहती है? हाँ ताए, तुम ठीक हो? तुम्हारे लगी तो नहीं? नहीं, जंगुक ने बचा लिया। थैंक यू जंगुक, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा सर फूट जाना था। तो तुम्हें इतनी जल्दी रहती क्यों है? तुम भाग क्यों रही थी? मैंने तुम्हें आवाज दी, तुमने मेरी आवाज भी नहीं सुनी।
सॉरी, पर मुझे क्या पता था ये ऊपर से गिरने वाला है, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तुम्हारी तो गलती ही नहीं होती है। हाँ, पर तुमने मेरी फिर से हेल्प कर दी। ताय, फिर से वही बात मत कहना। कौन सी बात जंकू? अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिर ताय इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जंकू, तुमने बताया नहीं कौन सी बात को कह रहे थे तुम? कोई सी भी नहीं। फिर जंकू भी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों कौन सी बात की बात कर रहे थे? हाँ, आ जाओ। गाइस, मुझे आप लोगों से पूछना है, मुझे इस स्टोरी को लॉन्ग बनाना चाहिए या जल्दी खत्म कर देना चाहिए? और सॉरी गाइस, कल पार्ट में गड़बड़ हो गई थी, सीन आगे पीछे हो गए थे, आप लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी ना पार्ट अपलोड होने में, और लेट ना हो इसलिए मैंने बिना चेक किए जल्दी जल्दी में अपलोड कर दिया था, और मैं डिलीट भी नहीं कर सकती थी, मेरे चैनल पे फर्क पड़ता, इसलिए मैंने दोबारा सही एडिटिंग करके फिर अपलोड कर दिया ताकि आप लोगों को और कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो मुझे बताना जरूर आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा, और ये भी जरूर बताना मैं इस स्टोरी को लॉन्ग बनाऊं या जल्दी खत्म करूं।